आज हम लोग यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में विरोधी पक्ष नेता के पास यहाँ पर आए थे। हमारा मुतालबा ये था कि 2012 से लेकर 2019 तक औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो महाराणा एजेंसीज थी, जिसका ओनर था विश्वनाथ राजपूत साहब, इन्होंने पिछले 7 साल के अंदर कॉरपोरेशन से कचरे का काम किए, कचरा उठाने का काम किए, गरीब लेबर्स को इन्होंने काम पर लगाया, सात साल तक गरीब लेबर्स को इन्होंने इस्तेमाल किया। इनको जो है तो FD के नाम पे 1500 रुपये इनके महीने को काटते रहे। और आज जब ये लेबर ये राजपूत के पास जाकर इनका हक मांगते हैं, पूछते हैं उससे कि हमारे PF का पैसा कहाँ पर है, तो ये राजपूत इनको जवाब नहीं देता है। ये राजपूत ये नदीम से बोलता है कि आपको जो करना है कर लो, जहाँ जाना है जहाँ चले जाओ। राजपूत साहब, हम आपके पास आएंगे तो तकलीफ हो जाएंगी, समझे बात को आप। मेरी पूरी MIM की टीम की तरफ से, मुंशी भैया की तरफ से, इरशाद भाई की तरफ से, हम लोग सब आपसे अपील करते हैं राजपूत साहब कि ये गरीब लेबर्स के पैसे आप लौटाइए। जो PF का घोटाला आपने इनके साथ किया है, 7 साल से लेबर आपके पास काम कर रहे थे, 200 से ज़्यादा लेबर्स थे जो आपके पास आए और अपना हक का मुतालबा किया। क्या बात है कि PF के 1500 रुपये महीने के काटने के बाद भी, 7 साल के बाद जब ये लेबर अपने PF के पैसे आपसे मांगने के लिए आ रहे हैं तो आप इनको मिल नहीं रहे हैं। जब ये लेबर आपके ऑफिस पर आते हैं तो आप इनसे मिलते नहीं हैं। आज हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में विरोधी पक्ष नेता के पास ये मुतालबा लेकर आए थे कि ये गरीब लेबर्स का जो PF का पैसा रुका हुआ है, इनके लिए आप मुतालबा करिए, लड़िए और इनको इनका पैसा दिलाइए। लेबर सेक्शन से भी हमने बात की, कोशिश की कि इनका मसला हल किया जाए। राजपूत से भी हमारे विरोधी पक्ष नेता अरुण भाव बोड़े ने बात की और उनसे कहा कि भाई आप इनका पैसा लौटा दीजिए। उसके बाद आप अगर इनके लॉग बुक्स देखेंगे तो ये 7 साल के लॉग बुक्स हैं। हर जो ड्राइवर के है उसका लॉग बुक्स अवेलेबल है। आप रिकॉर्ड चाहते हैं तो रिकॉर्ड हमारे पास है। हमारी आपसे अदबन गुजारिश है कि ये गरीब लेबर्स हैं, इनके 7 साल के जो पैसे आपने रुकाए हैं, इनका पैसा इनको लौटाइए। ये गरीब आवाम का हक का पैसा है। ये लेबर्स ने, ये ड्राइवर्स ने आपके पास काम किए, ये लॉग बुक्स देखिए आप। ये गरीब लेबर्स हैं, इनके 1500 रुपये PF के नाम पे आप काट रहे हैं पिछले 7 साल से। और आज आप अगर ये गरीब लेबर्स को आपने हटा दिया तो ये अपने PF के पैसे आपसे मांगने के लिए आते हैं, तो आप इनसे मिलना भी ज़रूरी नहीं समझते। भैया बोलो, एक पकड़ेंगे। ये जो विश्वनाथ राजपूत साहब है, ये शिवसेना के जो है तो संगठक है, जिला संगठक है भारतीय विद्यार्थी सेना के। ये आप सोचने की बात है कि कॉरपोरेशन का एक अहम टेंडर सिर्फ इसीलिए किसी आदमी को दिया जाता है कि वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है, रूलिंग पार्टी का एक्टिव जो है तो उसकी कार्य समिति का मेंबर है, इसीलिए उसको ये छूट या रिहायत दी गई है कि उसको टेंडर भी दे दिया गया और आज गरीब आवाम का वो पैसा नहीं लौटा रहा। तो जो है तो रूलिंग पार्टी इसके ऊपर कोई सोचने के लिए, गरीब आवाम के पैसे देने के लिए राजी नहीं है। ये है विश्वनाथ राजपूत साहब, शिवसेना के जिला संगठक, विद्यार्थी सेना। सिद्धार्थ गार्डन के अंदर यही राजपूत साहब के मालियों के भी जो है तो लेबर्स है, सिक्योरिटी गार्ड भी इनके लेबर्स है, पानी पुराठा में भी ये विश्वनाथ साहब के लेबर्स है। तो वो लेबर से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप देखिए आपका PF आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपका PF बराबर से कट रहा है या नहीं कट रहा है, आपकी जो भी बातचीत है, जो भी आपका लेबरिंग का जो भी चार्जेस है वो आपको सही तरीके से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। आप सब से मेरी गुजारिश है कि आज आप लोग चेक कर लें, वरना साल दो साल के बाद आप मेरे पास आएंगे और बोलेंगे कि समीर भाई विश्वनाथ साहब ने हमको पैसा नहीं दिया। आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इनके ऊपर नज़र रखिए। और दूसरी बात, विश्वनाथ राजपूत साहब तैयार रहिए, आपको किस ब्याह पे टेंडर मिला है उसकी भी मैं जानकारी लूँगा और आपके पीछे पड़ूंगा इंशाल्लाह। विश्वनाथ राजपूत साहब से ये कहना चाहेंगे हम, एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर ये गरीब लोगों का जो भी हिसाब होता है वो दे दिए, क्योंकि इन्हें 200 वर्कर थे इनके पास, 200 में से 50 लोगों को देते हैं और 150 लोगों को नहीं देते। क्या वजह? ये गरीब लोग हैं, इनके तरफ से कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है तो इसलिए नहीं देते। तो हम एक हफ्ते की मुदत देते हैं राजपूत साहब को, एक हफ्ते के अंदर वो इन गरीबों का जो भी मेहनताना है वो इनको दे दे। अगर नहीं देते तो 7 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद हम खुद उनके ऑफिस पे जाकर बैठेंगे, मजलिस की पूरी टीम जाकर बैठेंगी और इन गरीबों का, इन लोगों का हक इनको दिलाने का काम करेंगी।